उससे कम पैसे में जो है ना वो संभव हो जाएगा। बिल्कुल होगा। मतलब यदि जो इंश्योरेंस कंपनियों को कंपनसेशन देना पड़ रहा है उससे कम पैसे में जो है ना ये सब चीजें संभव हो पाएंगी। बिल्कुल हो सकती है, फिर क्यों नहीं। जब जब जो है हम यदि कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में बाकी सब कॉस्ट डालते हैं और कॉस्ट फ्री बने एमएसपी देते हैं, तो बिना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के हमने किसानों की आमदनी 5 गुना कर दी कि नहीं कर दी। बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। अभी 2 या 3 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक वर्कशॉप में वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हिस्सा लिया और उसमें मुख्य जो वक्ता जो मुझे लगे सबसे ज्यादा वो थे वहां के गवर्नर मिस्टर देवव्रत, जिनके पास खुद के पास 100 एकड़ जगह है और उन्होंने पहले शायद 5 एकड़ में किया और उन्होंने पहली ही फसल में 28 क्विंटल पर एकड़ से बढ़ा के 36 या 38 क्विंटल पर एकड़ किया। मतलब जो कहते हैं ना कि यदि आप जैविक उस पर जाते हैं तो आपका प्रोडक्टिविटी कम होती है, इसका तो उल्टा हुआ। उन्होंने उस वर्कशॉप में उन साइंटिस्ट को भी बुलाया था जिनके पास कोई जवाब नहीं था, जो कह रहे थे कि साहब इसको तो करने में 10 साल लग जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा जी। तो अब यदि अज्यूम करिए कि आप जो है केमिकल फर्टिलाइजर से कैंसर हो रहा है तो उसके लिए सब्सिडी क्यों दे रहे हैं? क्या कैंसर करना, क्या ये फार्मास्यूटिकल कंपनी के दवाओं में हम जो है ना वो कर रहे हैं? यदि हम ये बात मान रहे हैं तो उसी पैसे को बचा के यदि हम 5-5 पेड़ जो है मुनिंगा जैसे प्लांट जो कि बहुत फास्ट ग्रोइंग होते हैं और बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं, कहते हैं मुनिंगा प्लांट अकेले से पूरी कंट्री की न्यूट्रिशन नीड पूरी हो सकती है, तो ऐसे ढेसारे प्लांट हो गए, हम तो एक का नाम ले रहे हैं, उनके 5-5 बड़े बड़े पौधे जिससे कि 5-5 6-6 साल बड़े पुराने पौधे और साथ में जो है ना एक गाय देसी गाय यदि गरीब लोगों को दे दी जाए एंड स्पेशली जो फॉरेस्ट एरिया के आसपास हैं, एडजॉइनिंग फॉरेस्ट एरिया में इसी तरीके के मुनंगा उनंगा के प्लांट लगा दिए जाए जो फॉर्डर का काम करेंगे, तो ना तो जो है ना खर्चा आएगा, बिना खर्चा के मोस्ट न्यूट्रिशियस दूध भी मिलेगा। बिल्कुल। अभी जो है ना हम जितना कंज्यूम कर रहे हैं उसका 1/4 जो है मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, ये पूरी व्यवस्था सो रही है क्या? 3/4 मिल्क केमिकली बन रहा है, फूड डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? मिक्सिंग करना और क्या करेगा? नहीं वो कर रहा है ना, वो पैसे ले रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है कि सब लोग जो है गड़बड़ी के हिस्से क्यों है, मूक दर्शक क्यों है, जबकि यह बहुत आसानी से हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2, ये जो कार्यकर्ता, अब मैं मेरा सीधा संवाद कार्यकर्ताओं से, आप जैसे लोगों से, मेरा ये कहना है कि कार्यकर्ता सुबह से शाम तक जो है ना भिड़ा रहता है। जो बड़े नेता बड़े इसलिए हैं क्योंकि आप बाहर खड़े होकर उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, उनका जो है ना डिसिप्लिन देख रहे हैं। उनको बड़ा किसने बनाया? आप लोगों ने बनाया, बनाया कि नहीं बनाया? यदि आप सीन से हट जाए तो वो छोटे हो जाएंगे 2 मिनट में। बिल्कुल सही है, सच्ची बात है, ठीक है ना। अच्छा, आप जैसे लोग जो कि रीढ़ की हड्डी है, जो कि भीड़ इकट्ठे करते हैं, जो कि चुनाव प्रसार करते हैं, और टिकट आपको ना मिलके कोई दूसरा व्यक्ति जो कि नॉन डिजर्विंग है दूसरी पार्टी से आ गया या किसी बड़े का जो है ना बच्चा है उसका फैमिली वाला है, और फिर जो है ना उल्टा आपको डांट लगाई जाती है कि आप जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप अंडर कटिंग कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, जब आप उसको जो है ना जिस वर्कर ने एक माली जैसा अपने बगीचे को सींचा है और जब उसका टर्न आया तो आप जो है ना किसी दूसरे को टिकट दे देते हैं, तो उसका दिल क्यों नहीं दुखेगा? बिल्कुल दुखता है। तो सच्ची बात है, तो ये जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, चाहे किसी भी संस्था के हों, यदि वो जो है अपनी आवाज और जो ये जो बातें अपन कर रहे हैं, चाहे वो जो है ना समृद्ध भारत की बात करें, चाहे निरोगी भारत की बात करें, चाहे रासायनिक जहर मुक्त भारत की बात करें, या कैंसर मुक्त भारत की बात करें, या खर्च मुक्त चुनाव की बात करें, या दुर्घटना जो है मुक्त भारत की बात करें, इन सारी चीजों का, और हम तो समृद्धशाली भारत की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब जो है आप अमृत पैदा कर पाएंगे और अमृत को अमृत के भाव में बेच पाएंगे,
और यदि आप वर्टिकल खेती कर पाएंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी कहाँ जाएगी, और जो चीज इंडिया में होती है वो इंडिया में ही हो सकती है, बाहर नहीं हो सकती है, संभव ही नहीं है। भगवान ने उसको वैसा बनाया ही नहीं है कि वो वैसा हो। उसके गुण तत्व ही नहीं आएंगे ना, अगर हम उसके अगर मानने के लिए जो उसका मूल स्थान है उस स्थान से अगर हम शिफ्ट करके किसी चीज का उत्पादन करना चाहते हैं, ये बात फैक्ट है कि उत्पादन तो मिल सकता है लेकिन उसकी गुणवत्ता जो है वो कभी भी नहीं मिलेगी। कश्मीर में जो केसर है उस केसर को यदि आप भोपाल में भी उगा लेते हैं तो उसमें वो गुणवत्ता कभी नहीं होगी जो कश्मीर के केसर में होगी। नहीं आएगा सर, नहीं आएगी। तो इसका मतलब है कश्मीर की जो केसर है वो अमृत के भाव में बिकना चाहिए। ऐसे ही हर चीज जो जहाँ की विशेष है वहाँ की अमृत के भाव में बिकना चाहिए। तो हम बड़े मूर्ख हैं कि हम उसको एमएसपी में भी नहीं दे पा रहे हैं। सही बात। और एमएसपी में इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि हमने उसको जो है ना अमृत से तो पहले ही जहर बना दिया है, केमिकल फर्टिलाइजर केमिकल पेस्टिसाइड से। तो जब ये चीज जो है, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं एक छात्र जैसा बड़ी ध्यान से जो है ना गवर्नर महोदय को सुन रहा था और मुझे बहुत सीखने को मिला। तो जब उन्होंने ये सीख लिया कि गाय के गोबर में लक्ष्मी जी हैं और करोड़ों के संख्या में जीवाणु हैं जो बहुत कम समय में मिट्टी की उपजाऊ उसकी क्वालिटी को बहुत जल्दी इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट जी, और कीट भी नहीं लगेंगे और बहुत सारी चीजें भी नहीं होगी और खर्चा भी ज्यादा नहीं होगा। तो रासायनिक जहर के लिए हम तत्काल ये निर्णय क्यों नहीं लेना चाहिए कि हम इसको तत्काल बंद करते हैं और हम जो जो सब्सिडी दे रहे हैं उसके उसके उसमें और उतना पैसा जोड़ दें और उतने की गाय और जो है फॉडर के पेड़ जो है वो सभी को बांट दें और एडजॉइनिंग फॉरेस्ट एरिया में उसी तरीके के पेड़ लगाने का जो है संकल्प लिया जाए जिससे कि गाय का दूध पैदा करने के लिए जो खर्च होता है वो जीरो हो जाए। और देवव्रत जी ने एक बहुत अच्छी बात कही माननीय गवर्नर महोदय ने, उन्होंने कहा कि जो गाय दूध नहीं दे रही है उसमें जीवाणुओं की संख्या 3 या 5 गुना ज्यादा है। मुझे ठीक से याद नहीं, मैं उसको भाषण को फिर से सुनूंगा। नहीं नहीं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है सर। तो इसका मतलब है जो दूध नहीं दे रही है वो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो दूध दे रही है। क्योंकि आपका ध्यान दूध पे होना ही नहीं चाहिए, आपका ध्यान उसके गोबर पे होना चाहिए और उसके मूत्र पे होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। गोबर में लक्ष्मी विराजित हैं और मूत्र में धनवंतरी जी विराजित हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल। अब हम लोग जो है यदि लॉबीज के गुलाम हैं, कहीं फार्मास्यूटिकल लॉबीज के गुलाम हैं, कहीं मेडिकल लॉबी के गुलाम हैं, कहीं जो है ना फर्टिलाइजर के जो है ना लॉबी के गुलाम हैं, तो भैया इस स्वतंत्र देश में गुलामों की क्या जरूरत है। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो मेरा सोचना यह है कि आप जिन संगठनों से जुड़े हुए हैं उनके कार्यकर्ताओं को कहो कि वो अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में जाएं और क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराएं और फिर जो है हम थाली बजाकर और दीपक जलाकर अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को तत्काली करेंगे यदि वो ये निर्णय लेते हैं, और यदि वो निर्णय नहीं लेते हैं तो उनको विवश करेंगे। और उनको विवश करने के लिए चाहे हमें जो है काले झंडे, क्योंकि हमने ये तो कहा है रोड पे नहीं पहुंचेंगे, रोड पे नहीं जाएंगे, किसी अधिकारी से भी मिलने नहीं जाएंगे, किसी नेता से भी मिलने नहीं जाएंगे, इवन प्रधानमंत्री से भी मिलने नहीं जाएंगे। क्यों नहीं मिलने जाएंगे? क्योंकि ये बहुत ही चाटुकार टाइप के लोग हैं। आप जाएंगे तो आपको आश्वासन देंगे, ठीक ढंग से बात करेंगे, काम उनको करना नहीं है। तो आपका समय जाया और करेंगे। हम जाएंगे क्यों जब आपके पास, जब आपको करना ही नहीं है वो। कल आपके पास में खैर सर जो सब्सक्राइब किया है मैंने, उसमें मेरे साथ कल 8 से 10 लोग थे ना। मेरे साथ हुए संवाद के कुछ ऑडियो के क्लिप्स और रिकॉर्डिंग क्लिप्स आपने मेरे पास भेजे थे यूट्यूब चैनल के, वो संवाद मैंने उनको बताया था, ठीक है, जिसमें से 6 लोगों ने चैनल को मेरे सामने सब्सक्राइब किया है। तो उसका कारण रीजन ये था कि मैंने उनको बहुत सारी चीजें बताई कि उसको जब आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको जो है सर की जो चीजें आती हैं वो बहुत उसमें महत्वपूर्ण चीजें हैं, ठीक है ना। तो उसको पहले समझो तो सही क्या है वो। नहीं, और हम ये कह रहे हैं कि बड़ा इंटरेस्ट लिया था उसने, एक जितेंद्र गौतम करके हैं उत्तर प्रदेश से, उनकी भी एक फैक्ट्री चलती है मंडीदीप में,
और वो भी संगठन से मेरे साथ जुड़े हुए, हम लोग बैठे ही थे ऐसे लोग अपने लोगों के जो है ना, मुझे नंबर नाम इस तरीके के जो आपको लगते हैं कि अच्छे लोगों के, तो हम उन लोगों से सीधे वार्तालाप भी करेंगे। मेरे ख्याल से हम सीधे वार्तालाप करेंगे तो उनके ऊपर बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। तो उनने उसको सुना भी और उनने कहा यार कि मुझे इसको करना है। मैंने सिक्योरिटी को लेकर जो मेरा देखो देखो एक चीज अभी अभी वो तो रिकॉर्डिंग, लेकिन उस दिन काफी कुछ करने को मिलता। हाँ नहीं, मेरा देखो इसमें मेरा ये कहना है कि चूंकि ये लॉबी से दबे हुए हैं, इंडस्ट्रीज लॉबी से दबे हुए हैं, अब लोग बाग अडानी और अंबानी का तो नाम सीधे सीधे ही ले लेते हैं, राइट। आप अपने ये भी देखना पड़ेगा कि 178,000 करोड़ जैसा जो है एनपीए को माफ किया गया है, और अनोनिमस बॉन्ड के माध्यम से उन्हीं लोगों से पैसा ले लिया गया है। हमने तो आज तक जो है अनोनिमस बॉन्ड इसके पहले कभी सुना ही नहीं था। अनोनिमस बॉन्ड भी कोई होता है, और अनोनिमस बॉन्ड क्यों होना चाहिए जी, क्या सोचते हैं आप? हेलो, हाँ हाँ, मैंने कहा क्या सोचते हैं आप? नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, मैं तो ये आपकी बात को ध्यान से सुन रहा हूँ। विदाउट एनोनिमस अब केवल एक ही रास्ता है अपने पास जी, कि हम यदि उनकी सोच अनुकूल है तो उनको हम स्ट्रेंथन करें माननीय प्रधानमंत्री जी को, और यदि उनकी किसी भी लॉबी के दबाव में है, या इंडस्ट्री लॉबी के दबाव में है, या फार्मास्यूटिकल लॉबी के दबाव में है, या केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड लॉबी के दबाव में है, तो हम उन्हें विवश करें। बिल्कुल करना चाहिए, मतलब दोनों चीजें, यदि सोच अनुकूल है तो हम उनको सुदृढ़ करें, उनको किसी चीज का डर नहीं लगना चाहिए किसी से, और वो कठोर निर्णय लें जो कि जिसके लिए वो जाने जाते भी हैं, ठीक है ना? बिल्कुल सही है सर। और यदि वो किसी के दबाव में है, विवश है, तो जो है हम उनको अनुकूल निर्णय लेने के लिए विवश करें। इसके अलावा और कोई विकल्प मुझे तो समझ में नहीं आता है। और ये ढेर सारी जो पॉलिटिकल पार्टियां बन रही हैं, जिनका कोई वजूद नहीं है, जो चाहे एक दो सीट भी ना जीत पाए, और जीत भी जाए तो भी कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि उनकी कोई सोच नहीं है। बिल्कुल नहीं, उनकी सोच आपने एक बार और उसको एक्सप्लेन किया था कि जो बहुत सारी पार्टियां बनती हैं उसमें से 90% पार्टियां जो एक्टिव नहीं है वो सिर्फ इसीलिए रहती हैं भाई उनको दान का पैसा टैक्स में चोरी मिलेगी। नहीं तो उनकी चोरी को जस्टिफाई करने के लिए हम उन्हें क्यों अलाउ करें? हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, वही बात है। यदि यदि आप एक भी सीट नहीं जीत सकते हैं तो आपको एज ए पॉलिटिकल पार्टी अपने एंटरटेनमेंट के लिए खड़ा होने के लिए कि मैं इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, ये कहने का आपको मौका क्यों मिलना चाहिए? ठीक बात है, आप किसी दूसरे को सपोर्ट करिए यदि आप इतने औकात नहीं है। बिल्कुल सही है। तो आप जो है दूसरों का प्रचार करिए, उनको अच्छी चीजों के लिए व्यवस्था करिए, उनको अच्छी चीजों का वो करिए, तो इससे जो है जनतंत्र जो है वो सुगठित होगा, मजबूत होगा, और वही एक अच्छा रास्ता भी है। नहीं बिल्कुल सही। तो आप मुझे जो है अच्छे लोगों के नाम भेजिए, उनसे हम सीधे वार्तालाप भी करेंगे। जो लोग बाग जो है खुल के अपना वीडियो नहीं बना सकते हैं वो वीडियो ना बनाए, लेकिन अपने लॉबी में ऐसे ऐसे लोग का ऐसे लोग कार्य नहीं कर सकते सर। एक बात बहुत सही है, देखिए देखिए क्या है, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। मैं आपके पास जब आया था तो मुझे आप वीडियो में आपने कहा कि मैं ऑनलाइन बात करूंगा, तो मुझे उससे कोई प्रेज नहीं था। उसका कारण ये नहीं है कि मैं एक्चुअली क्या है, आई एम नॉट सिलेक्ट एनीवेयर, मैं कहीं पे भी किसी का भी गुलाम नहीं हूँ, है ना। मैंने मतलब लगभग 25 ईयर मेरे को कार्य करते वो हो गया है, और इस 25 साल में मैं एक सेवा प्रदाता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, तो मेरे को कभी भी इस बात से कभी भी डर नहीं लगा। कई जगह बहुत सारी बातें हुई, तो मैंने बहुत सारे काम इसलिए छोड़ दिए कि जब लोगों ने कहा कि हमारे अकॉर्डिंग आप सिर्फ इस कार्य को करो, मैंने कहा कि मैं आपके अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर पाऊंगा। कारण क्या है कि मैं अगर आपकी बिल्डिंग का निर्माण अगर आपके अकॉर्डिंग करूंगा
विशेष तौर पर अगर टेक्निकल में, तो मेरा आपको मुझे रखना आपके लिए व्यर्थ है, आप मत रखिए मुझे, क्योंकि उस बिल्डिंग में भाई आप इंजीनियर नहीं है। आप मेरे को अगर मानने के लिए गाइड कर रहे हैं कि नहीं आप ये चीजें ऐसा कर दीजिए या वैसा कर दीजिए, बहुत जगह बहुत काफी सारी समितियों में लोगों ने मेरे ऐसी बातें मेरे से की, उनके पीछे उनका निजी स्वार्थ है, लेकिन मैंने स्ट्रक्चर में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैं नहीं करता हूँ भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वजह क्या है कि मैं आपके अकॉर्डिंग उन चीजों में नहीं जा पाऊंगा सर। मैं ये जाकर मानने के स्ट्रक्चर ये मेरे अकॉर्डिंग बनेगा, डिजाइनिंग आपके अकॉर्डिंग हो सकती है, बाकी कंस्ट्रक्शन मेरे ही अकॉर्डिंग होगा। नहीं, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ जी। अब मेरे ख्याल से एक ही चीज है कि हमें बहुत जल्दी इसे करोड़ों में पहुंचाना होगा बिना समय गवाए हुए, जिससे कि हम, अब 2021 तो निकल ही गया है, 2022, 2023 और 2024 का जितना भी समय अवेलेबल है उसका सदुपयोग कर सकें, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उनको दृढ़ करते हुए और जहां पर जरूरत है उनको बेबस करते हुए हम वो सब जनतांत्रिक निर्णय करा पाए, जिससे कि यहाँ की डेमोक्रेसी भी स्ट्रांग होगी, हम जो है लॉबी से बाहर निकल पाएंगे, अपने देश का भला कर पाएंगे और एक समृद्धशाली देश पैदा कर पाएंगे। बिल्कुल सर, है ना जी, बिल्कुल। चलिए, तो इसी संकल्प के साथ जो है आज इस वार्तालाप को अपन का विराम देते हैं, ठीक है ना जी। और आप मुझे जो है अपने उसके जो आपको बहुत प्रभावशाली व्यक्ति लगते हैं और आपको लगता है कि जिनसे मैं बात करूं, तो उनके नाम और नंबर हमको दे दीजिए और उनको उनको भी खबर कर दीजिए, यदि वो कम्फर्टेबल है तो वो हमसे बात करें, नहीं तो हम उनसे बात करेंगे। निश्चित सर, निश्चित निश्चित, क्योंकि 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 इसको गति से ज्यादा तेज ढंग से करना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम हमें एक महीने में एक करोड़ की संख्या तक पहुंचना ही होगा, पहुंचना ही होगा। नहीं तो आपकी कोई आवाज नहीं। बिल्कुल सही है, है ना, बिल्कुल सही है सर। तो चलिए, देश के निर्माण में जो है हम सब लोगों की एक भागीदारीता हो, है ना जी, और इसको इसको देखते हैं, ठीक है ना सर। शुभरात्रि। राइट, शुभरात्रि, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बोलोगे तो बनाऊंगी बेटा, नहीं बनाऊं।